देखिए, पहली क्लास हमारी डीरेट की है। इसमें हम सिर्फ जो प्रीवियस ईयर पेपर आपका हुआ है उसका पैटर्न समझेंगे और सेक्शन जानेंगे कौन कौन से होते हैं। बाकी कंटेंट डिस्कशन जो होगा हमारा, हम कल से शुरू करेंगे टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले तो ये हमारा लास्ट ईयर जो पेपर हुआ है उसका सेट डी है। तो चार सेक्शन ऑलमोस्ट होते हैं डीएड की परीक्षा में, और वो चार सेक्शन कौन कौन से होते हैं ये आपको जानकारी होगी ही, जिन्होंने पहले परीक्षा दे रखी है और जिन्होंने नहीं दिया है तो वो जान लें। सबसे पहला सेक्शन हमारा होता है, ठीक है, सो फर्स्ट सेक्शन आपका होगा जीके का, जीके जिसके की 50 क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा। तो जीके के सेक्शन से आपको टोटल 50 मार्क्स कवर करने होते हैं। सेकंड सेक्शन होता है मैथमेटिक्स का, इसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कहते हैं, गणितीय अभियोग्यता भी कहते हैं इसको हम, ठीक है। इसके भी 50 प्रश्न आते हैं, और ये जो 50 प्रश्न हैं प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होता है, यानी कि 1 मार्क्स का होता है। इसमें भी आपको 50 नंबर स्कोर करने होते हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन, इसको हम हिंदी में तर्क क्षमता अभियोग्यता कहते हैं और अंग्रेजी में इसको हम रीजनिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें भी 50 प्रश्न होते हैं, और ये 50 प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न जो है वो आपका 1 अंक यानी कि 1 मार्क्स का होता है, और यहाँ पर भी हमें 50 अंक सिक्योर करने होते हैं। एंड देन जो लास्ट हमारे पास आता है वो है आपका शिक्षण अभियोग्यता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। ये भी आपका प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 अंक का है, और 50 प्रश्न होते हैं तो 50 अंक आपके हम होते हैं। इस प्रकार से चार सेक्शन होते हैं, पहला सेक्शन आपका जीके का, दूसरा गणित का, तीसरा तर्क क्षमता का, और चौथा हमारा शिक्षण अभियोग्यता का। और इन 5 सेक्शन को मिला करके जो टोटल नंबर होते हैं वो है आपके 200। अब ये 200 में से अगर हम बात करें कि कितना स्कोर आपका होना चाहिए कि जिससे आप ये तय समझें कि उत्तराखंड डीएलएड में आपको एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड डीएलएड की जो सीटें हैं वो 650 होती हैं, फिर इसमें रिजर्वेशन भी है। अब इन 650 में 50% सीटें होती हैं आपकी साइंस के लिए, 50% होती है आपकी ह्यूमैनिटीज के लिए, ठीक है, ये हो गया, चलो इसको छोड़ देते हैं। तो कुल मिलाकर के 200 में से कितने अंक आपको लाने चाहिए, तो ये मान के चलो कि 160 एक सेफ साइट है, कि अगर आपके 160 अंक आते हैं तो आप ये समझ सकते हैं या ये मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन परीक्षा में हो जाना है। अभी 160 अंक लाने के लिए आपको ये 4 सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। अब इन सभी सेक्शन में सबसे जो आसान सेक्शन है, फिलहाल आसान तो नहीं कहेंगे, हर किसी के अकॉर्डिंग अलग अलग सेक्शन आसान होते हैं। जो गणित के विद्यार्थी हैं उनके लिए गणित सबसे आसान होगा, ठीक है। जो एसएसटी के विद्यार्थी हैं उनके लिए जीके यानी कि सामान्य ज्ञान सबसे आसान होगा, जो तैयारी कर रहे हैं सिविल की उनके लिए जीके आसान होगा। और अगर कोई आप में से ऐसा होता है जिसने कि बीएड कर रखा है और या टीचिंग करता है, तो उसके लिए फिर टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभियोग्यता ये सरल होगा, ठीक है। फिर भी अगर मैं एक जनरली बोलूँ, सामान्य रूप से बोलूँ, तो शिक्षण अभियोग्यता एक ऐसा सेक्शन है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती। आपको जो पुराने पेपर जो हुए हैं अभी तक डीएलएड के, उनमें जो प्रश्न आए हैं शिक्षण अभियोग्यता के, उनके साथ चर्चा करते हुए अगर हम चले, तो हम मात्र 10 दिन की डिस्कशन में शिक्षण अभियोग्यता को इतना समझ लेते हैं कि आप 50 में से 40 या 45 प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि शिक्षण अभियोग्यता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है बाकी सेक्शन के कंपैरिजन में थोड़ा सिलेबस इसका कम है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। तो समय कम लगेगा, 10 दिन के समय में हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, हम जीके की बात करते हैं तो जीके बहुत ज़्यादा व्यापक क्षेत्र है। इसमें जीके में आपका अमूमन जो नए विद्यार्थी होते हैं
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस को लेकर चल रहे होते हैं। इसमें साइंस भी हमारा आता है, विज्ञान में चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे भौतिक विज्ञान हो, चाहे जीव विज्ञान हो, ये भी आपका जीके का ही पोर्शन होता है। इसके साथ साथ इतिहास, भूगोल यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स तो है ही, करंट अफेयर्स भी इसमें होता है। अब क्योंकि आप उत्तराखंड जीके का एग्जाम दे रहे हैं, तो उत्तराखंड से संबंधित कुछ प्रश्न भी यहाँ पर आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। इवन हम अगर ये कहें कि इसका एक सिलेबस सिलेबस कभी भी डीएलएड का कुछ डिफाइंड नहीं होता, वहां पर सिर्फ आपको ये कह दिया जाएगा कि आपको 50 प्रश्न जो है वो सामान्य अध्ययन से आएंगे। अब वो कौन से प्रश्न आएंगे, क्या आएंगे, ये क्लियर नहीं होता, तो इसके लिए आपको ठीक ठाक पढ़ना ही पड़ता है। उसके लिए हमारे साथ निर्मल सर हैं जो कि आपको गाइड करेंगे। सर का कमांड अच्छा है जीके में, पिछले 16 वर्षों से सर लगातार अपने विद्यार्थियों को जीके पढ़ा रहे हैं, और जो भी प्रश्न आप उनकी परीक्षा में आते हैं उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन सर करवाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं हम गणित में। तो गणित के लिए ऐसा मेंशन रहता है कि कक्षा 8 तक का जो गणित है वो आपसे पूछा जाएगा, लेकिन परीक्षाओं में देखा गया है कि 10th तक की मैथ्स पूछी जाती है, तो कक्षा 10 तक की जो गणित है वो आप लोगों को आनी चाहिए। सरल तरीका तो ये होता है कि क्लास 6 से लेकर के हम 10th तक की एनसीईआरटी के सारे ही जो टॉपिक्स हैं वो समझ लें, उनको पढ़ लें, उन्हें कर लें। लेकिन उससे होगा क्या कि हमें टॉपिक्स तो समझ में आ जाएंगे, लेकिन उन टॉपिक्स को समझने के बाद 2 घंटे के अंदर बाकी अन्य प्रश्नों के साथ वो 50 प्रश्न भी करना एक चुनौती से कम नहीं होता। तो इसके लिए पहले तो टॉपिक को समझना उसके परंपरागत तरीके से, या जिसको हम बोले कि ट्रेडिशनल जो मेथड होता है उससे, और उसके बाद फिर उनको किस तरीके से हम आसान बना सकते हैं, शॉर्टकट्स कैसे हम यूज कर सकते हैं, वो समझने के लिए गणित में आप उनको एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ते हैं। ठीक है, तो गणित का सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा लेंदी रहेगा, और आपको कम से कम नहीं भी तो हर टॉपिक के 50 से 100 प्रश्न की प्रैक्टिस आपको करनी ही चाहिए, जिससे कि आप परीक्षा में फिर वो प्रश्न अटेम्प्ट कर सकें। रीजनिंग की बात कर लेते हैं, तो रीजनिंग के 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है आपका वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल में जो भाषागत प्रश्न होते हैं यानी कि जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे आते हैं आपसे, जैसे दिशा संबंधित प्रश्न हो जाएंगे, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, है ना। आपने जिन्होंने पहले प्रश्न किए हैं तो पता ही होगा, अदरवाइज अभी इस पेपर को हम देखते हुए चलते हैं तो मैं वहां पर आपको बताते हुए चलूंगा। ठीक, और ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो हो जाएंगे आपके रक्त संबंधी, बस ऐसे प्रश्न जहां पर आपको प्रश्न में भाषा दी गई होती है, उस भाषा को समझ करके आपने फिर कोई तर्क लगाना होता है ऑप्शन पिक करने के लिए। ठीक है, तो वो आपके होते हैं वर्बल रीजनिंग। दूसरे प्रश्न होते हैं जहां पर आपको भाषा से कोई संबंध नहीं होता, भाषा में बस आपको डायरेक्शन दिया होता है, बाकी आपको नीचे कुछ फिगर्स दे दिए गए होते हैं, वो फिगर्स को आपस में रिलेट करके आपको कोई एक ऑप्शन पिक करना होता है जो उस प्रश्न का सही उत्तर हो सके। ठीक है, तो वो हमारे नॉन वर्बल रीजनिंग में आ जाते हैं। तो दोनों ही प्रकार की रीजनिंग के लिए अधिक से अधिक प्रश्न और अधिक से अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता है ताकि हम अच्छा स्कोर कर सके। तो ये हमारे 4 सेक्शन हैं और इसकी थोड़ी ब्रीफिंग मैंने आपके साथ अभी कर दी। अब हम थोड़ा क्वेश्चन पेपर है उसको देखते हुए चलते। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, अभी पहला दिन है तो लगभग हम सिर्फ जो पेपर है उसको डिस्कस करना कि आप देख लें। तो ये आपका सामान्य अध्ययन का पेपर है, जीके का क्वेश्चन है। इसमें आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न जो है, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो ये मेडिवल हिस्ट्री का प्रश्न है, मध्यकालीन भारत करके एक टॉपिक होता है हिस्ट्री का, वहां से प्रश्न पूछा गया है ना। इसके बाद फिर आप ये देख सकते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है। तो ये प्रश्न आपका
इसको आप चाहो तो ज्योग्राफी से रिलेट कर दो, चाहे इसको आप साइंस से रिलेट कर दो, ठीक है। फिर इसी प्रकार से फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है, तो ये ज्योग्राफी का प्रश्न हो गया आपका गोर। फिर निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है, तो आप देख सकते हैं ये विज्ञान का प्रश्न हो गया, ठीक है। अभी किस प्रश्न का उत्तर क्या है इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, ये निर्मल सर का विषय है, वो अपने आप करेंगे आपसे चर्चा, है ना। तो वरना होता क्या है, फिर हम जब हम आंसर डिस्कस करने चलते हैं तो पूरा 1 घंटा लग जाता है और 15-20 ही क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो पाते हैं, तो इसलिए अभी हम आंसर की तरफ नहीं जाएंगे। फिर ये आ रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, ठीक है। तो ये आपका राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन हो गया, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। क्लासेस बाइलिंगुअल रहेंगी, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, डिस्कशन आपके साथ, कंटेंट भी आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया जाएगा, ठीक है। फिर है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करों और सरकारी कामकाज के निर्वहन में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। तो अब ये प्रश्न जो आपका ये इकोनॉमिक्स से रिलेट कर रहा है, ठीक। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि हर विषय से आपको बिल्कुल फेयर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 करंट अफेयर्स आ गया, ठीक है। अब एक टॉपिक होता है हमारा जिसमें कि हम दिवस पूछे आते हैं कि किस दिन क्या मनाया जाता है, इस प्रकार से। तो ये प्रश्न आ गया आपका, इसको विविध कहते हैं हम, ठीक है, मिसलिनियस क्वेश्चंस बोलते हैं। फिर खेल से एक प्रश्न आ गया आपका, तो इस प्रकार से पेपर जो है आपका उसमें वैरायटी मिलेगी, आप किसी एक विषय को ज्यादा पढ़ के अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, आपको बराबर पढ़ना पड़ेगा, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे आपका करंट अफेयर्स हो, चाहे साइंस हो, तभी अगर क्या एक अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। और आप देख भी सकते हैं कि हर विषय से इसमें समान प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक। दो चार प्रश्न का ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज समान प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये तो रहा आपका जीके का सेक्शन, ये कंप्यूटर से भी प्रश्न पूछा गया देखिए इसमें, है ना, ठीक है। तो जो पुराने पेपर हमारे हुए हैं ना एग्जाम, जो उत्तराखंड में डीएलएड के लिए कराए गए हैं, वो दिखाते हुए उसके अकॉर्डिंग ही आपकी तैयारी करवाई जाएगी, ताकि हम अपने कंटेंट से भटके ना और एक बिल्कुल सही सटीक तरीके से तैयारी की जा सके। फॉर्म कब आएंगे, परीक्षा कब होगी, इस पर टिप्पणी करना सही नहीं है, क्योंकि अभी ऐसा कुछ तय नहीं किया है विभाग ने कि कब फॉर्म निकाले जाएंगे, वरना एक अंदाजा लगाएं तो हो सकता है कि सितंबर लास्ट, अक्टूबर में, या फिर अक्टूबर लास्ट या नवंबर में आपके फॉर्म देखने को मिले, और जब फॉर्म आएंगे उसके विद इन 2 मंथ और 3 मंथ पेपर हो जाना है, तो 4 से 5 महीने का समय आपको वैसे भी चाहिए पूरा सिलेबस समझने के लिए, और उसके बाद फिर 1-2 महीना आपको रिविजन करने के लिए। 3 महीने का समय हमारा रहेगा सिलेबस पूरा कराने का, और 1 महीना हम रिवीजन में साथ रहेंगे आपके, उसके बाद जब तक परीक्षा नहीं होती तब तक आपको मॉक टेस्ट की जो सीरीज है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। ये जीके के प्रश्न है, आप लोगों को ग्रुप में भेज दिएंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ये सारे ही प्रश्नों पर, ये तो अभी 2021 2020-21 में जो पेपर हुआ है उसका है डिस्कशन हो रहा है, जितने भी इससे पहले पेपर हुए हैं वो भी सारे आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे। जीके वाले क्वेश्चंस को, जो जीके वाला पोर्शन है, निर्मल सर आपके साथ पूरा ब्रीफ में, डिटेल में, जैसा आप चाहें वैसा डिस्कशन करेंगे आपके साथ, ताकि हर एक टॉपिक समझ में आपको आए, ठीक है। इसी प्रकार से हम गणित और अन्य भी जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51, 50 क्वेश्चन तो हमारे जीके के हो गए, अब आते हैं हम एक सेक्शन पूरा करने के बाद, अभी ये रीजनिंग है आपका, तो रीजनिंग में आप देखिएगा कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा, वह औरत की बेटी है जो कि मेरी माँ के पति की माँ है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमको ब्लड रिलेशन का यूज करके आंसर निकालना होता है, कैसे होता है क्या होता है, जब टॉपिक डिस्कशन होगा तो वहां पर चलेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे, तो बारह। इसी प्रकार से एक कोड डिकोड वाला प्रश्न आपका आ गया है, किसी सांकेतिक भाषा में, किसी कोड में, है ना, 481 का अर्थ स्काई इज ब्लू, 246 का अर्थ सी इज डीप,
आदि है ना। तो आपको फिर डी का कोड क्या है ये निकालना है। इस प्रकार के प्रश्न अच्छे प्रश्न होते हैं, आसान होते हैं, टफ नहीं होते हैं, बस ये कि एक बार हमको इसका अभ्यास करना होता है। कोई भी प्रश्न तभी तक कठिन माना जा सकता है जब तक कि हमने उसे किया नहीं है या हमने उसको समझने का प्रयास नहीं किया। आपने प्रयास कर लिया समझने का, आप तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा, और उसके बाद आपको अभ्यास करना पड़ेगा ताकि जो आप समझे हैं वो आपका रिटेन हो सके, यानी कि आप उसको भूले ना, है ना। तो समझने के लिए प्रयास और उसको बनाए रखने के लिए अभ्यास, दोनों की आवश्यकता पड़ती है। अभ्यास के लिए निरंतर पुनरावृत्ति या रिविजन आपको करना चाहिए। इस प्रकार से आपके एक ही प्रश्न पर दो तीन, सॉरी एक ही स्टेटमेंट पर दो तीन क्वेश्चन यहाँ पर पूछ दिए गए। ये रहे रीजनिंग के क्वेश्चंस। वैरायटीज में रहेगी आप लोगों को मैंने बताया है, वर्बल नॉन वर्बल दोनों ही तरीके प्रश्न यहाँ पड़ेंगे। ये अभी फिलहाल जो प्रश्न मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को ये सारे ही वर्बल प्रश्न है, वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है। ये सिलोलिज्म का क्वेश्चन है आपका। अब ये आपका आता है नॉन वर्बल का। देखो यहाँ पर आपको फिगर दिया गया है, चित्र दिया गया है, इस चित्र को देख करके समझना है और फिर उसके हिसाब से उत्तर देना है, ठीक है। तो ये इस प्रकार के प्रश्न है जो चित्रात्मक प्रश्न होते हैं, इसको हम चित्रात्मक कहें चाहे हम इसको नॉन वर्बल कहें, एक ही बात है, ठीक है। तो ये नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये भी नॉन वर्बल रीजनिंग है, ठीक है। ये सब नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से 50 प्रश्न आपको रीजनिंग के मिलेंगे। ज्यादा कठिन नहीं होते, लेकिन हाँ अगर अभ्यास किए बिना चले जाओगे तो ये भी तय है कि 50 में से 20 या 25 में अटक जाओगे, ठीक है। तो रीजनिंग जैसा सेक्शन अगर आप 50 में से 45 क्वेश्चन नहीं करके आते हैं तो फिर मुश्किल है कि आप 160 का आंकड़ा छू पाए। ये सब रीजनिंग के क्वेश्चन है, जैसे मिक्स है कुछ वर्बल कुछ नॉन वर्बल। ये ऋग्वेद यजुर्वेद इतिहास का प्रश्न है, रीजनिंग का ही ऑड इवन वाले क्वेश्चन जो हमारे होते हैं। पेपर भेज दिया जाएगा आप लोग ग्रुप में, आप देख लेंगे। कल से टॉपिक डिस्कशन शुरू हो जाएगा हमारा, और फिर बाकी आपस में चर्चा करके हम देख लेंगे कि कितने दिन आप जीके पढ़ना चाहते हैं, कितने दिन आप बाकी विषय पढ़ना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से हम क्लासेस करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 101 से। देखिए 50 प्रश्न पहले जीके के हुए, फिर 50 प्रश्न हमारे रीजनिंग के हुए, 100 प्रश्न पूरे हो गए। अब आता है तीसरा सेक्शन गणित का। अब गणित में आप देखिए पहला प्रश्न आपका रेशियो प्रोपोर्शन से है, अनुपात अनुपात समानुपात से है, ठीक। फिर आपका ये जनरल क्वेश्चन है ना क्यूब रूट का। फिर लाभ प्रतिशत के प्रश्न हो गए आपके पास, ठीक है। फिर मिक्सचर वाले प्रश्न हो गए, ये आपका एंगल वाला प्रश्न हो गया, ठीक है। ये सब जो गणित बैकग्राउंड के हैं, जो अभी भी ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं, तो उनको तो ये सब आसानी से आ ही जाएंगे। अदरवाइज आप लोगों को, और हाँ जिनका मैथ्स रहा है आपको समझ में आसानी से आ जाएगा, ये तो ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा तो मैथ्स से हम आराम से कर लेंगे, बिना तैयारी के पहुंच गए एग्जाम देने, तो वो भी सही नहीं है। क्योंकि पुराने कुछ बैचेस मैंने देखा है कि जो मैथ्स के स्टूडेंट्स होते थे वो जीके तो पढ़ते थे क्लास में, बट मैथ्स में ध्यान उतना देते नहीं थे, बाद में वो मैथ्स में ही फिर सारे क्वेश्चन में गड़बड़ करके आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। आपको जो विषय अच्छे से आता है उस पर कम समय दीजिए, लेकिन अभ्यास करें। जिस बच्चे ने पहले गणित अच्छे से नहीं पढ़ी, वो 100 प्रश्न कर रहा है, तो आप कम से कम 10 या 20 तो कर ही लें ताकि आपका रिविजन अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो ये सब गणित के प्रश्न है, कुछ सरल टॉपिक से है तो कुछ कठिन से भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि 50 के 50 प्रश्न बहुत कठिन है, और ऐसा भी नहीं है कि 50 के 50 बहुत सरल है, मिक्स है। जो कठिन है उनको समझने में समय लगेगा, उनका अभ्यास और बेहतर तरीके से करना होगा, और जो सरल है तो उनको कम समय में आप कर सकते हैं, तो उसमें कम अभ्यास में भी काम चल जाएगा, ठीक है। जब क्लासेस होंगी टॉपिक वाइज आप लोग यहाँ डिस्कशन किया जाएगा, मन एक एक क्वेश्चन इसका भी सॉल्व कराएगा, बट ये क्वेश्चन सॉल्व कराने का फायदा तब है जब आपने ये टॉपिक पढ़ लिया है ना। तो हमारा तो ये रहता है कि हम क्लास में ऐसा करते हैं कि जो बेसिक जो टॉपिक्स हैं 14 to 15 टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, और हर एक टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद फिर जो उससे संबंधित प्रश्न आए हुए हैं पुराने पेपर में उसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल
अगर हम ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन देख रहे हैं, ये मीन मीडियन मोड का, तो ये मोड का प्रश्न है, तो हमने स्टैट वाला टॉपिक जो पूरा किया उसमें मीन मीडियन मोड हमने पढ़ लिया। अब जितने भी प्रश्न उससे संबंधित आए हैं पुराने पेपरों में वो हम सब डिस्कस करेंगे आपके सामने, इसी प्रकार से दोबारा से क्वेश्चन पेपर को दिखाते हुए, ताकि आपको कंफर्मेशन होता रहे कि ठीक है जो तैयारी आपकी वो प्रॉपर चल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से 50 प्रश्न आपके और गणित के ये हो गए, है ना। अब 3 सेक्शन हमारे हो गए हैं, पहले जीके के 50 प्रश्न हुए, फिर हमारा रीजनिंग के 50 प्रश्न, फिर हमारे गणित के 50 प्रश्न। अब आता है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, सबसे इजी टॉपिक है, सबसे सरल है। मैंने अभी शुरुआत में कहा आपसे कि मात्र 10 दिन के डिस्कशन में हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड इतना बढ़िया तैयार हो जाता है अगर आप ध्यान से उसको सुनते हैं तो, कि आप 45 प्रश्न उसके आराम से कर सकते हैं और 50 प्रश्न भी पूरे सही कर सकते हैं। व्यवहारिक प्रश्न यहाँ पर आते हैं, बट पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हम, जैसे अब यहीं पर देखिए कि विद्यालय में समावेशी वातावरण का सृजन किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये प्रश्न जो है समावेशी शिक्षा से संबंधित है ना, तो हमको समावेशी शिक्षा पता ही नहीं होगा तो हम उस प्रश्न का उत्तर क्या देंगे। तो इसके लिए हमें समावेशी शिक्षा का पता होना चाहिए कि समावेशी वातावरण का वास्तविक अर्थ क्या होता है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न आपका आ रहा है कक्षा में सृजनात्मक बच्चे। अब ये सृजनात्मक बच्चे का मतलब क्या है ना, यानी क्रिएटिविटी, क्रिएटिव चाइल्ड हम किसे कहते हैं, तो ये पता होना चाहिए, पता होगा तो ही तो हम कर पाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत आसान भी नहीं है लेकिन उतना कठिन नहीं है। ठीक है, फिर अब यहाँ पर देखिए जैसे पूर्ण दृष्टि बाधित जो बच्चे हैं, अब उनके ये तो फैक्चुअल है, आपको पता ही नहीं है कि पूर्ण दृष्टि बाधित जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए हम किस प्रकार की लिपि का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार के टीचिंग एड्स यूज करते हैं, तो आप कैसे आंसर कर देंगे ना। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा जानकारी होना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। हाँ, लेकिन ये है कि सिलेबस कम है तो 10 दिन में इसको हम कवर आसानी से कर सकते हैं। और अभी आप लोगों के लिए बढ़िया है कि वो तो फॉर्म भी नहीं भरे हैं आपने, कई सारे तो हमारे साथी ऐसे होते हैं कि जो फॉर्म भरने के बाद फिर तैयारी करना शुरू करते हैं लेकिन उनका समय फिर कम रह जाता है, तब तक आप अपना आधा सिलेबस कर चुके होंगे। ये देख सकते हैं आप टीचिंग एप्टीट्यूड का वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका क्या है ना, सुगमकर्ता की है, समाज सेवी की है, वक्ता की है, क्या है की है? अब आप लोगों को पढ़ा पता होना चाहिए। एक अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को उसी कक्षा में पूरी निष्ठा से अध्ययन करने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है कि नहीं, तो कैसे किया सकता है। अब इसके लिए डिस्कशन हुआ होगा हमारा तो हम उसको समझेंगे, अगर डिस्कशन ही नहीं हुआ तो कुछ भी इसका आंसर दे सकते। विद्यार्थी सबसे अच्छा सीखते हैं। अच्छा, एक और चीज, एक और बात आप ध्यान दीजिएगा, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन ऐसा है कि मैंने देखा है बहुत सारे हमारे जो साथी होते हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की बुक्स लेकर के। उसमें बीएड में भी आए प्रश्न भी होते हैं और एलटी लेक्चर अन्य परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न भी होते हैं, उसको वो ले आते हैं। ठीक है, अब उसमें प्रश्न होते हैं कि वो उन्होंने क्वेश्चन देखा उसका आंसर उनको इजीली आ जा रहा है तो कॉन्फिडेंस उनको आता है कि अरे ये तो मैं कर ले रहा हूँ आराम से, बट उस कॉन्फिडेंस की वजह से वो अभ्यास बहुत कम कर पाते हैं। क्योंकि किसी प्रश्न का उत्तर अगर कोई आ रहा है तो वो उत्तर क्यों आ रहा है, बाकी 3 ऑप्शन उसके उत्तर क्यों नहीं है, ये भी तो हमको समझना है। ठीक है, तो अगर आप अधूरी जानकारी के साथ जाते हैं या अधूरी तैयारी के साथ जाते हैं तो एग्जाम टाइम पे, क्योंकि एक तो एग्जाम प्रेशर होता है, ऊपर से अगर कुछ एक आध प्रश्न, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग है तो डेफिनेटली हम मैथ्स और रीजनिंग में फंसते ही हैं, और अगर हमको कहीं भी स्टार्टिंग में 15-20 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो उस समय फिर हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, और उस वजह से फिर हम सरल से सरल जो हमारे प्रश्न होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे वहां पर भी गलत करके आ जाते हैं। रिसेंटली एलटी का एग्जाम हुआ है, उसमें भी आप अपने जो बड़े भाई बहन या साथी हैं उनसे पूछ सकते हैं, वहां भी यही हुआ। टीचिंग एप्टीट्यूड में हालांकि सिलेबस से क्वेश्चंस आए नहीं लेकिन बहुत आसान प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन क्योंकि होता ना कि पैनिक हो गया इंसान की वजह सिलेबस से नहीं पूछा है, क्या पूछ दिया, प्रश्न सरल होने के बाद भी सब गलत कर दिया हमने। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, तैयारी पूरी रखनी। ये 160 नंबर आप लोगों को 2 साल के अंदर एक सरकारी नौकरी में ले जा सकते हैं, और अगर नहीं आप क्रैक कर पाते हैं, इस बार एडिशन नहीं हो पाता है,
तो फिर आप 1 साल पीछे हो जाएंगे। और एक विकल्प और है आपके पास कि आप बाहर से करके लाएं, लेकिन अभी ये जान लो कि आने वाले समय में बाहर से जो डीएड करके आ रहे हैं उनका भविष्य है नहीं कुछ। अभी आप अगर देखें तो जो लिस्ट निकली है उसमें अगर 500 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है तो 500 में से सिर्फ 6 या 7 ही हैं जो बाहर के हैं, बाकी सब हमारे उत्तराखंड के हैं। और कब नया नियम आ जाए कोई भरोसा नहीं है, ठीक है? तो बाहर से मत करना, ये बाहर से करके प्रॉब्लम होगी। तैयारी करिए आप उत्तराखंड की, उत्तराखंड से करिए, और 2 साल पूरे सिलेबस होते ही, आपका कोर्स पूरा होते ही फिर आपका जॉब 100%। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन है, तो ये 4 सेक्शन इस तरीके से हैं। तो आज की क्लास में हमने जो पुराना पेपर हमारा हुआ है, रिसेंटली जो पेपर हुआ है 2020-21 का, उसको देखा। प्रश्नों के उत्तर पर हमने चर्चा नहीं की, हमने फिर सेक्शन देखा है कि कैसे कैसे प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। ये प्रश्न पत्र आप लोगों को भेज दिया जाएगा, आप उसको देख करके आराम से तसल्ली से बिल्कुल जानिएगा कि स्तर क्या है इनका, स्टैंडर्ड क्या है, कितनी तैयारी मुझे करनी है, कितनी मेरी है ना, और कितने घंटे मुझे प्रिपरेशन करने की जरूरत है, ये सब कुछ देखते हुए फिर अभी क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। कल से हम वन बाय वन टॉपिक लेते हुए अपना जो प्रिपरेशन है डीएलएड का शुरू करेंगे, और समय हमारा रहेगा 9 बजे का। क्लास स्टार्टिंग का समय 9 बजे का है, एंड होने का कोई समय नहीं है। हो सकता है कि 10 बजे एंड हो जाए, हो सकता है 10:30 बज जाए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।